गुरुजी, कई लड़कियों की लड़कों की शादी नहीं हो रही होती है, तो नवरात्रि में सिर्फ स्पेशली ऐसा कोई साधना है या कोई रेमेडी है जो वो कर सके जिससे उनकी शादी हो जाए? शादी के लिए पांचवा नवरात्रा इस बार में विशेष है। 20 अक्टूबर थर्सडे गुरुवार को पांचवा नवरात्रा है, पंचम नवरात्रि है। इस पंचम नवरात्रि में माँ गौरी की, माँ ललिता की, भगवान शिव की आराधना करने से मन चाहा वर प्राप्त होता है। ये बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए। तो इसमें आप नवार्ण मंत्र का ही जाप कर सकते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे के साथ। और इसमें कपूर लेके आप कम से कम 21 माला नवार्ण मंत्र की करें। माँ बेटी मिलके भी कर सकते हैं। कपूर लेके कपूर को जला लें, तो उसके ऊपर दो चार लौंग लें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे पूजयामि, लौंग रख दिया। फिर एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे पूजयामि, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे पूजयामि, ऐसे पांचवें नवरात्रि को लौंग की आहुति दें। फर्स्ट नवरात्रि को आप गुलाब के फूल से, गुलाब की पत्तियों से 108 बार मां को चढ़ाएं, ऐसे ही एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। दूसरी नवरात्रि को अक्षत चावल से पूजयामी करें। तीसरी नवरात्रि को अलैची से करें। चौथी नवरात्रि को फिर अलैची से करें। पांचवी नवरात्रि का आपको मेन बता दिया, लौंग से करना है। और छठी सप्तमी अष्टमी इन 3 नवरात्रि को एक अनार लें, और अनार को लेके हाथ में पकड़ के आधे घंटे तक, 2 अनार लें सॉरी, एक अनार मां के चरणों में रख दें, एक अनार लेके उसके ऊपर मां की प्रार्थना करते रहें, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे पूजयामि, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे पूजयामि। फिर उस अनार को माँ के चरणों में चढ़ा दें। ऐसे ही अगले दिन करें और ऐसे ही अष्टमी को करें। नवमी के दिन नींबू की माला बना करके उसको कंकु से टीका करके 27 नींबू की माला बनाएं, उसको माँ के चरणों में रख दें। घर में बड़ी मूर्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, माँ की ज्योति के आगे रख दें, माँ के दिए के आगे रख दें। इसको आप 9 दिन तक करेंगे। नौवें दिन कन्याओं को खुश कर दें, कन्याओं को भोजन करा दें। और इन पूरी नवरात्रि में अगर श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ सुन सकते हैं, सुनने की कोशिश करें। अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। 9 दिन लगातार आप फोन पे रजिस्टर करके उस पाठ को सुन सकते हैं 9 दिन के लिए। उससे आपको बहुत लाभ होगा। माँ कृपा करें, भगवती शक्ति दें आपको, बच्चियों की शादी हो।